गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम यूपीएससी नोमेनक्लेचर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एनहाइड्राइड्स की नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एनहाइड्राइड? यहाँ पे कुछ आर या एच लगा होता है, यहाँ पे कुछ आर या एच लगा होता है, और सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अगर इसे सेकेंडरी सफिक्स में डालते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में इसको लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, एनहाइड्राइड जब भी होता है तो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई दूसरा एनहाइड्राइड से मेजर फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एनहाइड्राइड को कभी भी प्रीफिक्स में नहीं डाला जाता, इसलिए एनहाइड्राइड को कभी भी प्रीफिक्स में नहीं डाला जाता। अच्छा, एनहाइड्राइड की नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा एनहाइड्राइड बनता कैसे। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें ये सीखना होगा एनहाइड्राइड बनता कैसे है। जैसे मैंने दो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, तो यहां से मैं कहता हूं यहां से ओवरऑल वाटर का लॉस हुआ और ये एनहाइड्राइड बना, ये एनहाइड्राइड बना। अब देखना, ये दोनों मैंने सेम कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड बना है। तो ये अगर अल्केनोइक एसिड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्केनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। क्यों? एल्कोनोइक एसिड से बना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं सी एच थ्री सी ओ ओ एच और सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक है, यहां से मैं जब वाटर का लॉस करूंगा तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बोंडो ओ सी डबल बोंडो सी एच थ्री। ये क्या था, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इस इथेनोइक एसिड का, ये इथेनोइक वर्ड रखते हुए मैं इस एनहाइड्राइड को कहूंगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जो एनहाइड्राइड है उसका नाम कहां से आएगा, एसिड से ही आएगा, जिस एसिड से वो बना है उसी से ही आएगा। अब नाम लिखने का तरीका देखना, जो आपको एनहाइड्राइड दिया गया है उसके कार्बन और इस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करो। मुझे बताना, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो क्या मुझे दो मोल इस इथेनोइक एसिड के मिलेंगे? और क्योंकि इससे इथेनोइक एसिड मिल रहा है तो मतलब ये जो एनहाइड्राइड बना है ये इथेनोइक एसिड से बना है, और इथेनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। बात समझ आई? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना, एक एग्जांपल और देखना, मैं लिखता हूं सी एच, यहां पे लिखता हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, और मैं एनहाइड्राइड लिखता हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये मैंने एनहाइड्राइड लिखा। मैंने क्या तरीका बताया आपको, एनहाइड्राइड में इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ो, यहां ओ एच लगाओ, यहां एच लगाओ। तो मुझे एक बात बताना, क्या इसको, तो इस एनहाइड्राइड को तोड़ने पे आपको मिथेनोइक एसिड मिलेगा, मिथेनोइक एसिड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर ये मिथेनोइक एसिड मिल रहा है तो ये एनहाइड्राइड किससे बना है, मिथेनोइक एसिड से। कैसे बना है, यहां से वाटर का लॉस होने पे, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ये तरीका होता है बच्चों एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर का। ठीक है, हमें वो एसिड आइडेंटिफाई करना होता है जिस एसिड से वो एनहाइड्राइड बना है। देखना अगला एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, इसमें चार मेंबर रिंग है और ये एनहाइड्राइड फॉर्म हो रखा है। मैं इस एनहाइड्राइड को क्या करूंगा, यहां से ब्रेक करूंगा। मैंने ब्रेक किया, यहां पे OH लगाया, यहां पे H लगाया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना, देखना, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब मैंने कहा था इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पहले आइडेंटिफाई कर लो और फिर एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख देना बस।
तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है, 1,2 साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और यह एनहाइड्राइड कौन सा हो गया, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये तरीका होता बच्चों। अगला एग्जांपल देखना, ये मैंने लिया एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एनहाइड्राइड लिया, तो इसमें देखो अब मैं फिर से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, यहाँ पे OH लगाऊंगा, यहाँ पे H लगाऊंगा, तो ये मिला मुझे, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम लिखूं, 1,2,3,4, चार कार्बन है तो ब्यूट, कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, ठीक है, ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, 2, तो डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्यों मैंने लोकेंट्स मेंशन नहीं किए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ये था ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और यहां से वाटर का लॉस करके ये एनहाइड्राइड बना दूं, तो ये एनहाइड्राइड कौन सा बनेगा, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देखना बच्चों, जो मैंने आपको कहा है कि जो एनहाइड्राइड होते हैं उनके साथ कभी भी कोई दूसरा मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता, ठीक है, जो एनहाइड्राइड से सीनियर हो, क्योंकि एनहाइड्राइड कभी भी प्रीफिक्स में नहीं जाते, हमेशा सफिक्स में जाते हैं। मैं एक दो ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, देखना, मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ, मैंने अभी आपको इसका नाम बताया था, इसका नाम मैंने आपको बताया था ब्यूटेन, ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, मैं यहाँ पे एक NO2 लगा देता हूँ, NO2। अब देखो चाहे नंबरिंग इधर से कर लो, चाहे नंबरिंग इधर से कर लो, इक्वल पोजीशन मिलनी है, तो मैं इधर से नंबरिंग कर दे, 1,2। अब 2 पे क्या लगा दिया मैंने, नाइट्रो ग्रुप, और ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाता है, प्रीफिक्स में जाता है, कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो मैं इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखूंगा, 2 पे नाइट्रो, 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, 2 नाइट्रो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। अब देखना बच्चों, अभी तक हम उन एनहाइड्राइड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे थे जिनमें जो सिमेट्रिकल थे, एनहाइड्राइड भी तो दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल या तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या, ये दोनों आर ग्रुप अलग, जैसे सिमेट्रिकल में मैं ऐसे ले लूं, CH3 CO O C डबल बॉन्ड O और CH3। अनसिमेट्रिकल में मैं एक तरफ ले लूं H और एक तरफ ले लूं CH3, अनसिमेट्रिकल हो गया, लेकिन नाम लिखने का तरीका कुछ कुछ वही रहेगा। देखना सिमेट्रिकल का तो मैंने आपको समझाया, अनसिमेट्रिकल का देखना, मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, यहां OH लगाता हूं, यहां H लगाता हूं, तो देखना दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहां से मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे HC डबल बॉन्ड OH, और यहां से मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मिथेनोइक एसिड, और इसको क्या लिखूंगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इस एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखेंगे, ये जो दो एसिड हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, इथेनोइक पहले आता है तो इथेनोइक, और फिर मिथेनोइक और एनहाइड्राइड वर्ड लगा देना एसिड की जगह, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बच्चों एक एग्जांपल और देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C3H7, ठीक है, इस एनहाइड्राइड का मुझे नाम लिखना है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। मैं क्या करूंगा, देखना इस कार्बन और ऑक्सीजन किसी भी बॉन्ड को तोड़ लेना, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को तोड़ लो, चाहे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को तोड़ लो, यहाँ H लगाऊंगा, यहाँ OH लगाऊंगा, तो यहां से क्या बनेगा,
यहां से जो एसिड बनेगा उसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, और यहां से जो एसिड बनेगा उसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब जब मैं इस एनहाइड्राइड का नाम लिखूंगा तो इस प्रोपेनोइक और इस ब्यूटेनोइक वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। पहले लिखूंगा ब्यूटेनोइक, फिर लिखूंगा प्रोपेनोइक। ठीक है, और इन दोनों एसिड को हटा के लिख दूंगा एनहाइड्राइड। इस तरीके से हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला नोमेनक्लेचर हम एस्टर्स का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।